से 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑटोडेस्क कंपनी का है ये। शुरुआत से ये ऑटोडेस्क कंपनी का नहीं था, सबसे पहले वेव फ्रंट एलियास कंपनी ने इसे बनाया था, वेव फ्रंट एलियास। देन ऑटोडेस्क ने बाद में इसको परचेज कर लिया, इसके सारे शेयर खरीद लिए। देन इसके साथ एक रेंडर इंजन इंप्लीमेंट करके दिया जिसे बोलते हैं मेंटल रे। अब आपको ये तीन पैकेज के साथ मिलता है, माया प्लस मेंटल रे, आर्नोल्ड रेंडर भी इसके साथ मिल रहा है, जिससे आजकल जो मूवीज आती हैं आर्नोल्ड रेंडर में किया जाता है, जो एड्स आप देखते हो कमर्शियल वो आर्नोल्ड रेंडर और वीरे से किए जाते हैं। तो आर्नोल्ड रेंडर पहले अलग से आता था, अलग से था किसी और कंपनी का, पर अब माया ने साथ में दे दिया, तो ये हम साथ के साथ करते रहेंगे। अभी समझने की ज़रूरत नहीं है कि रेंडर क्या चीज़ है, क्योंकि लाइटिंग का हिस्सा है। सिर्फ अभी दिमाग में बिठाओ कि माया पहले वेव फ्रंट का था, अब ऑटोडेस्क कंपनी का है। जैसे फोटोशॉप अडोबी कंपनी का है, वैसे माया अब ऑटोडेस्क का है। अब माया में आप क्या क्या करोगे? सबसे पहले फिल्म्स के लिए काम करोगे, फिर एड्स कमर्शियल, गेम्स, आप गेम डिजाइनिंग भी करोगे इसमें, गेम्स खेलना शुरू कर दो आप लोग, पर आधे घंटे से ज़्यादा नहीं। हॉबी मत बनाना अपनी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए। गेम डिज़ाइनिंग, देन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एड कमर्शियल के अंदर ही आ जाती है। ये तीन काम आप माया में करोगे। चौथा काम है डायनामिक्स एंड VFX। ये चार फील्ड माया की है। डायनेमिक्स मीन्स जब रेनिंग होती है ना, बारिश दिखाते हैं मूवीज में, आग जलती हुई दिखाते हैं, वो डायनेमिक्स है। अब मैं आपको एक मूवी दिखा रहा हूँ जिसमें आपको सब क्लियर बताऊंगा कि क्या डायनेमिक्स है, क्या मॉडलिंग है। सबसे पहले मूवी बनाने के स्टेप्स लिखते हैं कि हाउ टू मेक ए मूवी। माया स्टेप वन मॉडलिंग। सबसे पहले हम मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग में क्या क्या बनाएंगे? कैरेक्टर मेकिंग, एनवायरनमेंट एंड प्रॉप्स मेकिंग। देखो कैरेक्टर मेकिंग मींस आपने कैरेक्टर बनाया, ह्यूमन एनिमल कुछ भी हो सकता है, एनिमल भी कैरेक्टर है और ह्यूमन भी कैरेक्टर है। इन्वायरमेंट मेकिंग मतलब मान लो आप जंगल का सीन बना रहे हो, जंगल के ऊपर मूवी बना रहे हो, तो जो जंगल है वो इन्वायरमेंट है, और जो जंगल में पत्थर पड़े हुए यहाँ वहाँ पेड़ है वो है प्रॉप्स। प्रॉप्स जैसे मान लो ये मूवी चल रही है हमारी स्लैब में, जो लैब है वो इन्वायरमेंट है, हम जो हैं कैरेक्टर्स हैं, और ये मॉनिटर्स देख रहे हो ना, ये प्रॉप्स हैं, प्रोजेक्टर प्रॉप्स है, पंखा प्रॉप्स है, ये छोटे छोटे प्रॉप्स हैं, ठीक है। तीन चीज़ें मेन हैं, और सिंगल कलर में बनाओगे, ग्रे क्रीम किसी भी एक कलर में, सब कुछ। तो सबसे पहले हम मॉडलिंग की एक डेमो रील देखते हैं कि मॉडलिंग में क्या क्या बनता है। स्पीकर देखो, सिंगल कलर में आप कैरेक्टर को बनाओगे, सिंगल कलर में क्रीम या ग्रे किसी भी कलर में आप बनाओगे। तो ये कैरेक्टर एक सिंपल बॉक्स से शुरू हुआ है, एक बॉक्स से एक्सट्रूड करते करते पूरा कैरेक्टर बन गया,
इसे बोलते हैं मॉडलिंग। एनिमल भी कैरेक्टर में आता है, देन आता है मॉडलिंग के बाद टेक्सचरिंग। कलर एंड टेक्सचर विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पेंटिंग मैट पेंटिंग। व्हाट इज मैट पेंटिंग? मास्किंग को मैट पेंटिंग बोलते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ने को मैट पेंटिंग बोलते हैं। ट्री कहीं से, माउंटेन कहीं से, क्लाउड कहीं से, स्काई कहीं से, बिल्डिंग्स कहीं और से, अलग अलग इमेजेस के एलिमेंट उठा के जोड़ने को मैट पेंटिंग बोलते हैं। एंड फोटोग्राफी, आप जो मूवीज देखते हो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स की, मॉडल करने के बाद ओरिजिनल फोटोग्राफ उनके ऊपर रैप किए जाते हैं, ओरिजिनल फोटोज खींच के। तो फोटोग्राफी का बहुत काम है टेक्सचरिंग के अंदर। देन आता है लाइटिंग, जो मैं अभी आर्नोल्ड, वीरे, मेंटल रे ये सब बता रहा था, ये लाइटिंग का हिस्सा है। लाइटिंग मीन्स जनरेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड शेडो इज नोन एज लाइटिंग। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट्स। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? देन उसके बाद आता है रिगिंग, जो आपने एक कैरेक्टर बनाया, अब उसके अंदर बोन्स लगाएंगे। जैसे हमारे अंदर बोन्स है और फिंगर्स के अंदर बोन्स है, मैं बोन्स हिला रहा हूँ तो फिंगर हिल रही है, वो रिगिंग है। कार का इंजन बंधा हुआ होता है तब जाके कार चलती है, कार के अंदर इंजन बंधा होता है ना बोनेट के अंदर, उसे बोलते हैं रिगिंग। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी कार के अंदर इंजन बांधेंगे, इंजन बनाएंगे पूरा। दिखाता हूँ क्या है रिगिंग। थोड़ी देर बाद आना। देखो हमने कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर बनाने के बाद कलरिंग की, इससे बोलते हैं टेक्सचरिंग, और इसके अंदर बोन्स लगी हुई है, उस बोन की हेल्प से ये अपना हाथ, इसका हाथ मैं रोटेट कर पा रहा हूँ, इसका फेस मैं रोटेट कर पा रहा हूँ बोन्स की हेल्प से। ये जो कंट्रोलर्स है ना बोन्स के साथ बंधे हुए हैं, रिग किए हुए हैं। और देखो जितना मर्जी खींचो ये स्ट्रेचेबल रिग है। समझ आ रहा है? इसे बोलते हैं रिगिंग। रिगिंग, रिगिंग मीन्स बाइंड अप ऑफ cars and characters with the help of bonds and controllers. Known as rigging.
रिगिंग के बाद आता है एनिमेशन, अब जो मैंने रिगिंग की, अब इस रिग को मैं इसके पैर को हिला हिला के वॉक साइकिल बनाऊंगा आगे करके, तो ये कैरेक्टर चल पड़ेगा, इसे बोलते हैं एनिमेशन। इसके हाथों को चलाऊंगा, इसके पैरों को चलाऊंगा, इसे बोलते हैं एनिमेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट इन रिगिंग इज नोन एज एनिमेशन। अब जैसे आप लोग 2D एनिमेशन करते थे, 2D एनिमेशन में क्या आता है, स्केच बनाओ फिर से डिजिटल करो, एक एक फ्रेम बनाना पड़ता था। यहाँ आपका स्केचिंग का काम खत्म है, आपको कैरेक्टर बनाना है, उसी कैरेक्टर को एनिमेट करना है, स्केचिंग का फंडा ही नहीं है, बस आपको स्केच बनाना है तो फ्रंट कैरेक्टर का फ्रंट और लेफ्ट, ताकि उससे आप कैरेक्टर को मॉडल कर पाओ, उसके अलावा स्केचिंग का कोई काम नहीं है, ठीक है। एनिमेशन, अब एनिमेशन के बाद आता है डायनामिक्स। स्पेशल इफेक्ट्स लाइक पार्टिकल्स, फ्लूइड, अब बताऊंगा क्या है, लिक्विड, इसे सबको बोलते हैं डायनेमिक्स। आपने 2000 मूवी देखी, सबने 2012 में जो पानी आता है ना, वो सब माया में आप खुद जनरेट कर सकते हो। मान लो कोई आपने, ये लैब है, इस लैब के अंदर बाढ़ आती हुई दिखानी है, तो माया के अंदर बायफ्रॉस्ट एक इफेक्ट है, एक प्लगइन है, उससे आप बाढ़ आते हुए दिखा सकते हो या आग जलते हुए दिखा सकते हो पार्टिकल्स के थ्रू। तो माया में एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्टिकल्स के, कहाँ मिलेंगे, विंडो, विंडो में जनरल एडिटर, वाइजर, विंडो में जनरल एडिटर, जनरल एडिटर में वाइजर, VISOR, ठीक है, क्लिक करो। माया में सब कुछ बना बनाया मिलेगा, बर्गर भी बना बनाया, बिल्डिंग्स बनी बनाई है, देखो लाइक ओशियन। टूटते हुए दिखाना है, डायनेमिक्स, सब पूरी बिल्डिंग तोड़ सकते हो। सब डायनेमिक्स है, हाँ, ये देखो ओशियन, ये एनिमेटेड ओशियन है। पूरा एनिमेटेड है, दिख रहा है एनिमेट होते हुए चलता हुआ। कैमरे से जूम करोगे तो गोल है, पर कैमरा आपको पास रखना है, आप इसे जितना मर्जी स्केल करो। इस ओशन के अकॉर्डिंग, अगर इस ओशन में बॉट रखती ना, तो बॉट भी ओशन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होगी ऑटोमेटिक। मैक्स में ये खासियत नहीं है, 3DS मैक्स एक सॉफ्टवेयर है 3D का, उसमें चीजें नहीं है, इसलिए उसमें एनिमेशन नहीं होता, बनाना पड़ता है, टेक्सचर भी लगे लगाएं, आपको मॉडिफाई करने खाली। देखो बॉट भी उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो रही है, बॉट अपना करैक्टर बता देंगे, वो भी उसका भी बिठा हुआ है, दिखाता हूं ये लो। ये तो बना बनाया, आप अपना बना भी सकते हो, ये टूल्स हैं जिस टूल्स के थ्रू बने हुए हैं। ये देखो स्केलेटन पड़ा हुआ है बॉट के अंदर, इसकी जगह अपना कैरेक्टर बैठा दे, हाँ ये भी कैरेक्टर ही है, पर ये स्केलेटन दिखाया हुआ है इसमें।
फ्लूइड, अगर आपको एनिमेटेड स्काई दिखाना है, देखो इसमें एनिमेटेड स्काई है, ये स्काई है, और ये बादल चलते हुए, ये इसमें ऐसे दिखेगा लेकिन रेंडर में ऐसे नहीं दिखेगा। हाँ रेंडर, व्यू पॉइंट में नहीं दिखेगा ऐसा, रेंडर में दिखेगा। आपने देखा होगा कई मूवीज होती है, लाइक एक मूवी थी ओ माय गॉड, उसमें क्लाउड्स के ऊपर बोर्ड को चलते हुए दिखाते हैं अमिताभ बच्चन, तो क्लाउड्स भी इसमें ही बनते हैं सारे क्लाउड्स। इसका रेंडर लगा के आफ्टर इफेक्ट में उसके साथ एक्सप्लोजन्स, ये देखो एक्सप्लोजन, रेंडर करो इसे। तो ये डायनामिक्स का हिस्सा है, ये देखो ये 2D एनिमेशन में बना सकते हो इजिली आप, नहीं 3D में बहुत इजिली बन जाएगा। इसमें रेंडर की तो वही स्पीड है जो मैक्स में। हेयर्स, हेयर्स भी डायनामिक्स का हिस्सा है, और ये हेयर्स बकायदा उड़ते हुए चल हवा में उड़ेंगे, ये अभी तो स्टैटिक है, आप इसे एनिमेटेड भी कर सकते हो कि हवा के अकॉर्डिंग उड़े ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, हवा लगानी है और वो उड़ेगी। एंड क्लोथ, आप पूरा कर्टन बंद होते हुए, कर्टन को फटते हुए सब दिखा सकते हो। देखो पॉटली है, पॉटली के अंदर पार्टिकल्स हैं, क्लॉथ इफेक्ट, ऑटोमेटिक समझ आया, ये सब डायनेमिक्स है। VFX में डायनेमिक्स सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो जो VFX में जाना चाहता है वो डायनेमिक की अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये 6 फील्ड्स हैं आपकी माया के अंदर, और जब आप पूरा माया कर लोगे, अब आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, इसे बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। देखो आउट ऑफ कंट्री एक फील्ड में की जाती है, पर आप इंडिया में हो, इंडिया में ट्रेंड इतना नहीं है कि एक फील्ड का अलग से एम्प्लॉई रखा जाए, आर्टिस्ट अलग से रखा जाए, तो एटलीस्ट दो में स्पेशलाइजेशन करनी है आपको, दो कॉम्बो बनाने, या तो मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग, जब आप माया पूरा कर लोगे इन चार चीज़ों में से एक का पोर्टफोलियो बनाना, मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन, या डायनेमिक्स एंड VFX, VFX के लिए न्यूक सॉफ्टवेयर आता है, ये चार फील्ड आप लोगे। समझ आया, जब आप माया पूरा कर लोगे तो आप इसमें किसी एक फील्ड में पोर्टफोलियो बना के और साथ में CV के साथ आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर दिल्ली में इसकी डिमांड नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं, डायनेमिक्स एंड VFX की नहीं है, दिल्ली में मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटिंग रिगिंग एनिमेशन, क्योंकि दिल्ली में ई बुक्स का काम बहुत होता है, जो स्कूल्स में पोएम्स चलती है ना, राइम्स चलती है, उसमें सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, तो दिल्ली में बहुत काम है इसका, ठीक है। अब तक हम कर रहे थे कि 3D एनिमेशन क्या चीज़ है, अब हम करेंगे 3D एनिमेशन में माया की स्टार्टिंग, उसका इंटरफेस। सब नोट कर लिया ये, अब हम करते हैं UI मींस यूजर इंटरफेस ऑफ माया। माया में देखो दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है व्यू
एंड एक्सेस, आपको दोनों को क्लियर करना है. सबसे पहले व्यू एंड एक्सेस. व्हाट इज व्यू? व्यू दो टाइप के होते हैं जो आपने स्केचिंग में भी किए होंगे. एक होता है ऑर्थोग्राफिक, जैसे हम 2D व्यू बोलते हैं. एक होता है एक्सोनोमेट्रिक या आइसोमेट्रिक. ऑर्थोग्राफिक छह तरह के व्यू होते हैं. सबसे पहला फ्रंट, फिर बैक, फिर लेफ्ट एंड राइट, फिर टॉप और बॉटम. ठीक है, फ्रंट और बैक में अगर मैं किसी चीज को सामने से देखता हूं तो उसमें विड्थ दिखती है. विड्थ को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. एक्स, आप सबने 10th में ग्राफ पढ़ा होगा, विड्थ को एक्स बोलते हैं. और विड्थ के साथ हाइट दिखती है. हाइट को हम वाई बोलते हैं. फ्रंट और बैक दोनों में सेम दिखेगा. देन फिर लेफ्ट और राइट में विड्थ नहीं दिखेगी, डेप्थ और हाइट दिखेगी, जिसे हम जेड बोलते हैं. फिर टॉप व्यू से बंदे का पता नहीं चलता वो कितनी हाइट है, 6 फिट का है, 7 फिट का है, तो हाइट नहीं दिखेगी, विड्थ एंड डेप्थ दिखेगी. तो ऑर्थोग्राफिक मतलब 2D व्यू. अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, इसकी डेप्थ नहीं दिख रही, लेफ्ट व्यू में भी विड्थ नहीं दिख रही, टॉप व्यू में हाइट नहीं दिख रही, पर पर्सपेक्टिव व्यू में सब दिख रहा है. ये इसकी विड्थ है, ये इसकी डेप्थ है और ये इसकी हाइट है. ऑर्थोग्राफिक व्यू 6 टाइप के होंगे. एक्सोनोमेट्रिक व्यू एक ही होगा, जो आप 1.2.3 पर्सपेक्टिव करते हो उसे एक्सोनोमेट्रिक व्यू बोलते हैं. पर्सपेक्टिव क्लियर है. अब हम माया में आते हैं. नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे करें. पर्सपेक्टिव व्यू में तीनों चीजें दिखेगी, एक्स वाई जेड. इसमें मॉडलिंग 2 व्यू से होगी. अब हम आते हैं माया में. माया सॉफ्टवेयर जब भी आप ओपन करोगे आपके पास एक ही व्यू आ रहा है, और कभी भी 4 व्यू आ रहा है. आपको दोनों में अगर स्वैप करना है तो ओनली स्पेस बार प्रेस करके छोड़ दो. स्पेस बार होता है ना कीबोर्ड में, स्पेस बार. स्पेस बार से 1 व्यू से 4 व्यू में कर सकते हो. क्या बात, अभी कर दो. स्पेस बार व्यू आपको रोटेट करना है तो ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक माउस ड्रैग. ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक प्रेस एंड ड्रैग, व्यू ड्रैग करने के लिए. पैनिंग बोलते हैं इसको. फिर हैंड टूल, हैंड टूल मतलब इधर उधर मूव करना. ऑल्ट प्लस मिडिल माउस, मिडिल माउस. और फिर जूम के लिए ऑल्ट प्लस राइट क्लिक फॉर जूम इन जूम आउट. Alt plus right click. That's a shortcut. Middle mouse.
उसी से होगा दोनों। लेफ्ट ड्रैग करोगे तो जूम इन, राइट ड्रैग करोगे तो जूम आउट। देन अब आते हैं यूआई पे, इसको तो बोलते हैं व्यूपोर्ट एंड इसको बोलते हैं ग्रिड। जो भी पूरी आर्मी लड़ रही होती है ना इस ग्रिड के ऊपर लड़ रही होती है, इस छोटी सी जो इतनी बड़ी सोसाइटी सिटीज दिखाते हैं इस ग्रिड पे दिखाते हैं, छोटी सी ग्रिड पे। तो ये है ग्रिड, और ग्रिड का मिड पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। एक्स से जीरो, वाई से जीरो, जेड से जीरो। ग्राफ में ओरिजिन पढ़ा आपने, ओरिजिन का जहाँ पे हर चीज़ जीरो जीरो है, ये जीरो है यहाँ, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है यूनिट्स की, इस मिड पॉइंट को ओरिजिन, ओ आर आई जी आई एन, ओरिजिन। ठीक है, सबसे ऊपर है मेन्यू बार। मैंने आपको बताया था कि छह तरह की फील्ड होती है और हर फील्ड के मेन्यू अलग अलग है। यहाँ से रिगिंग का अलग है, जब चेंज हो रहे हैं ना यहाँ के मेन्यू देखना, एनिमेशन का अलग है, विंडो तक सब कॉमन है, इसके बाद सारे अलग हो जाते हैं मेन्यू। एफएक्स का अलग है, रेंडरिंग मतलब लाइटिंग का अलग है, इनकी शॉर्टकट्स है F2 फॉर मॉडलिंग, नोट करो F2 फॉर मॉडलिंग मेन्यू, F3 फॉर रिगिंग, F4 एनिमेशन, F5 एफएक्स, एफएक्स डायनेमिक स्केल को एफएक्स बोलते हैं, F6 रेंडरिंग, ठीक है। अभी आप मॉडलिंग करोगे तो मॉडलिंग मेन्यू में ही रहना। देन यहाँ पे आते हैं शेल्फ, जो टूल ऊपर मेन्यू में है ना यहाँ पे भी मिलेंगे, पर बटन बने हुए हैं सबके, आप अपना मेन्यू भी बना सकते हो, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देन आप यहाँ से बॉक्स क्लिक एंड ड्रैग, सबसे पहले विड्थ और डेप्थ खींच रही है उसकी, फिर माउस छोड़ दिया मैंने, फिर दोबारा माउस क्लिक किया एंड ड्रैग किया, उसकी हाइट आ गई। दो ब्रेक में यहाँ पे बॉक्स ड्रैग होगा, बॉक्स लिया क्लिक एंड ड्रैग, फिर माउस छोड़ दिया, फिर दोबारा क्लिक किया और ड्रैग किया, हाइट आ गई। समझ आया? अब नाउ कॉपी, अगर आपको कॉपी लेनी है, फॉर कॉपी प्रेस कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डी फॉर डेली, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, फॉर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट आ गया पर उसी के ऊपर आया, मूव कर दो आगे। समझ आया? और फिर शिफ्ट डी करोगे तो देखो क्या हो रहा है, कॉपी विथ ट्रांसफॉर्मिंग। देखो मान लो एक बार कंट्रोल डी कर लेना, और जरूरी नहीं कि आप शिफ्ट डी करो, उतनी स्पेस में जाएगी जितने में आपने कॉपी पहली कॉपी की है। देखो मैंने क्या किया, कंट्रोल डी किया, मूव कर दिया। देखो शिफ्ट डी मर्जी है, अगर आपको बिल्डिंग्स बनानी है ऐसे तो शिफ्ट डी प्रेस करना, हर बिल्डिंग की कॉपी आ रही है। देखो ये रहा कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, शिफ्ट डी फॉर डुप्लीकेट भी ट्रांसफॉर्म, वो बाद में बताऊंगा। अभी मान लो आपको कोई टेबल बनानी है, तो सबसे पहले मैंने बॉक्स से एक प्लाईवुड बनाया पतला सा, फिर मैंने एक और बॉक्स लेके उसकी लेग बनाई, कंट्रोल डी से कॉपी, फिर दोनों को इकट्ठा यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल डी से कॉपी, चार लेग हो गए, इसको उठा के ऊपर कर दो। समझ आया? तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे।